Good morning everyone. Continuing with our next topic, that is branches or types of accounting. Due to increasing complexity in business, जो managers हैं उन्हें बहुत सारी types of की information जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है और इन informations को जो available हैं वो करवाती हैं different branches of accounting. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है हमारे पास financial अकाउंटिंग. जो मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना, फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की उसे असर्टेन करना. और इसके अंडर आप सब थ्री बुक्स, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं. नेक्स्ट जो हमारा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है? जो मैन्युफैक्चरर है जब वो गुड्स बनाता है तो जब वो सेल्स प्राइस अपना डिटरमाइन करता है, सेल्स प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है, जो भी कॉस्ट है गुड्स की उसमें वो प्रॉफिट ऐड करता है. तो इसका मतलब उसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स पता होना चाहिए. तो यहाँ पे जो भी मटेरियल आपने कंज्यूम किया है गुड्स को बनाने के लिए, वेजेस आपने पे की हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, उन सब की आप टोटल कॉस्ट निकालते हो, पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट शीट्स, जो एक्सेट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर आप उसे प्रिपेयर करते हो. नेक्स्ट इज़ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग. जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू बिजनेस वो मैनेजर्स को आप अवेलेबल करवाते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, ताकि जो मैनेजर है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो है रिलेटेड टू बिजनेस वो ले सके. तो यहाँ पे आप रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव एनालिसिस टेक्निक्स जो हैं ये टूल्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ योर टैक्स अकाउंटिंग. इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में आप जो चीज़ें स्टडी करते हैं या जो चीज़ें आप इंफॉर्मेशन जहाँ से आप निकालते हैं, दैट इज़ किस चीज़ के रिगार्डिंग होती है, दैट इज़ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो हैं वो इसका पार्ट होते हैं. और टैक्सेस को निकालना, डिफरेंट प्रोविजन्स, सब प्रोविजन्स वेरियस एक्ट्स के जो हैं वो भी यहाँ पर आप कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग. ये फॉर्म है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज यूज़ करती हैं. इसमें बजट्स आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे रिजर्व फंड, कंटीजेंसी फंड एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोसाइटी बिजनेस को डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाती है, वेल एस्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर फैसिलिटी ह्यूमन रिसोर्सेज की फॉर्म में वो अवेलेबल करवाती है. बिजनेस को आप कंडक्ट नहीं कर सकते बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है सोसाइटी. तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स सोसाइटी. हर एक बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करें. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर आप प्रोवाइड करवाते हो, जहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है इंफॉर्मेशन अबाउट दी फैसिलिटीज जो बिजनेस प्रोवाइड करवा रहा है सोसाइटी को. इस टाइप की अकाउंटिंग के लिए वो टेक्निक्स डेवलप की जाती है जिससे आप असर्टेन करते हो कॉस्ट सर्विसेज की और प्रॉफिट जो सोसाइटी को हो रहा है उन सर्विसेज से. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस या यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग. तो जो ऑब्जेक्टिव, फंक्शन और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या क्या है? सबसे पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, दैट इज़ कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना हर एक ट्रांजैक्शन का जो भी बिजनेस में हो रही है. सभी ट्रांजेक्शन को आप पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, देन सब थ्री बुक्स में, देन उन्हें पोस्ट करते हैं लेजर्स में. और जब आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन का, तो जो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन है या फ्रॉड है इन रिकॉर्डिंग दी ट्रांजेक्शंस वो ख़त्म हो जाती हैं. देन नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. हर एक ट्रेडर जानना चाहता है प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग दी सर्टेन पीरियड उसे कितना हुआ. जो अकाउंटिंग है वो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. देन नेक्स्ट इज टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. हर एक ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट और लॉस जानना
जरूरी नहीं है, उसके बाद भी उसे काफी चीजें हैं जो जानने की जरूरत है। क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, कि पूरा साल जो उसने काम किया उन एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट एंड लॉस उसे मिला वो तो ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर एक पर्टिकुलर डेट को वो कितनी एसेट्स ओन करता है, कितनी लाइबिलिटीज उसकी हैं, कितनी कैपिटल उसकी हैं, वो सब चीज़ें भी उसे जानना ज़रूरी है। तो जो अकाउंटिंग है आपकी वो डिपिक्ट करती है आपकी फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। देन नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का, दैट इज अवेलेबल करवाना इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्टीज को जो इंटरेस्टेड है बिजनेस में। डिफरेंट पार्टीज कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट है ऑनर। ऑनर क्या चीज़ जानने में इंटरेस्टेड है कि उसने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया, किसने किससे कितना अमाउंट उसे रिसीव करना है, किसे कितना अमाउंट उसे पे करना है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए? बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए उसे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आपके कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट में जो आप उसे सेल कर रहे हो उसे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है, और इन सब चीज़ों को वो कहाँ पे यूज़ करती है, प्लानिंग करने के लिए, डिफरेंट प्लान्स प्रिपेयर करने के लिए कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, कितनी गुड्स सोल्ड करनी है, कस्टमर से कितना पैसा लेना है, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो ये है वो अकाउंटिंग उसे प्रोवाइड करवाती है। देन डिसीजन मेकिंग के लिए कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अगर किसी काम को करने के हैं उसके पास, तो उनमें से वो कौन सा चूज़ करे, प्राइस ऑफ गुड्स क्या रखना है, कौन सा मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज़ करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट इज़ योर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब कि जितना एक्चुअल वर्क आपने किया है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं है, कंपेयर करना प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है उससे, और अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो उसके रीजंस फाइंड आउट करना और उस रीजंस को दूर करना भी जो है वो मैनेजर का ही रोल है, और उसके लिए उसे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलती है अकाउंटिंग से। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेना है और वो लेते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि अगर उनका डिसीजन डिपेंड करता है कि जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजिशन क्या है बिजनेस की, इन सारी इंफॉर्मेशंस पर। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो आपको क्रेडिट परचेजेस जिनसे आपने की है, जो आपको परचेजेस जिनसे आप कर रहे हो क्रेडिट पर, तो वो जानना चाहते हैं कि उनकी मनी सिक्योर है या नहीं है अगर वो आपको क्रेडिट दे रहे हैं। देन एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं अर्निंग कैपेसिटी कितनी है बिजनेस की, ताकि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज़ का वो अंदाज़ा लगा सके कि उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेगी। देन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है जानने में इनकम टैक्स आपने कितना पे किया, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी आप करेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बैंक्स को जानना होता है आपकी अर्निंग कैपेसिटी जब वो आपको लोन देती है उससे पहले कि कहीं आप डिफॉल्टर तो नहीं निकलेंगे, उस चीज़ को जानने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उन्हें हेल्प करती है। रिसर्चर्स को डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रिलेटेड टू परचेजेस, सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, अर्निंग कैपेसिटी, और इन सब इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करवाता है अकाउंट्स। द नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है ऑनर्स को और इंटरेस्टेड पार्टीज को जो बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो जब आप यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग का, इन लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहला है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो एक्सप्रेस हो रही है मनी टर्म में। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन अगर आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी फॉर्म में, तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो इफेक्ट कर रही है बिजनेस को तब भी।
जैसे एफिशिएंसी मैनेजमेंट की, पॉलिसीज गवर्नमेंट की, इकोनॉमिक पोजीशन कंट्री की, सेक्टर जैसी चीज़ें। द नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट। जो लॉ है अकाउंट्स के, जो रूल हैं वो स्ट्रिक्ट नहीं है जैसे फिजिकल साइंसेस के और केमिकल साइंसेस के होते हैं। डिफरेंट डिसीजंस ऐसे हैं कई टॉपिक्स पर अकाउंटेंट को जिसे लेने पड़ते हैं अपने पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे। जैसे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या वो फॉलो करेगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या फॉलो होगा, किस परसेंटेज से प्रोविजन बनाया जाएगा डाउटफुल डेब्ट्स और डेब्टर्स के लिए। देन नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन इन अकाउंट। ऑनर्स जो हैं वो कई इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अकाउंटिंग बुक्स में, क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट होता है। तो अगर वो इंफॉर्मेशन वहाँ पर शो नहीं करते हैं तो जो रिजल्ट है अकाउंटिंग के वो बायस्ड हो जाते हैं और रॉन्ग शो करेंगे। देन नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो हिस्टोरिकल होती है नेचर में, तो आप उसके रिजल्ट्स को यूज़ नहीं कर सकते फ्यूचर में फोकास्ट करने के लिए। जो डिमांड ऑफ गुड्स है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये जो फैक्टर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और बिजनेस के कंट्रोल में ये चेंजेस नहीं होते। जबकि जो डिफरेंट चीज़ें आप बिजनेस के अकाउंट में शो कर रहे हो वो हिस्टोरिकल में आप शो कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट एसेट्स जो बिजनेस के पास हैं आप उन्हें जब रिकॉर्ड करते हो तो जिस कॉस्ट पे आपने उसे लिया है उस कॉस्ट पे आप उन्हें रिकॉर्ड करते हो। तो जो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग है वो एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको नहीं देती है। नेक्स्ट इज अनसुटेबल फॉर फोकास्टिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स इवेंट्स के जो हो चुके हैं पास्ट में उसके प्रिपेयर आप कर रहे हो, तो जो फैक्टर्स हैं डिमांड ऑफ गुड्स, पॉलिसी ऑफ फर्म, लेवल ऑफ कंपटीशन, वो तो चेंजिंग है और उन्हें आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर के लिए फोकास्टिंग नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना अकाउंट्स में ताकि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा फेवरेबल दिखा सको। जैसे अगर आपने परचेज एंड में दिखा दिया एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपने इस ईयर में दिखाई, अगले ईयर में वो शो नहीं हुई। ओवर वैल्यूएशन आपने क्लोजिंग स्टॉक का कर दिया या अंडर डेप्रिसिएशन आपने एसेट्स पे दिखाया, तो इन चीज़ों से जो है मैनिपुलेट अकाउंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज योर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग है वो डिफरेंट कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट एसेट्स को आप उस प्राइस पर रिकॉर्ड करते हैं जिस पे आपने उन्हें परचेज किया है, और जब एसेट ख़त्म हो जाती है एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो डिफरेंट होती है। आप जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वही सेम एसेट अगर आप आज खरीदेंगे तो वो आपको ज़्यादा प्राइस पर मिल रही होगी एज़ कम्पेयर टू दैट प्राइस जिस प्राइस पर आपने उसे ख़रीदा था। जबकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो क्या शो कर रहे हैं, वो प्राइस जिस पे आपने ख़रीदा था, तो आज और पहले जो उसका प्राइस था दोनों में डिफरेंस है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप जब रिप्लेसमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए, तो वो तो आप कॉस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग बना रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग तो नहीं बना रहे हो। तो जब मतलब अगर एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट आप उसे दोबारा परचेज करने जाएंगे तो जितना पैसा आपने उसके लिए एज अ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए वो डिफरेंट होगा। तो ये थे हमारे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।